एक दौर था जब फिल्मी सितारों से मिलना ईद के चांद को देख लेने से कम नहीं होता था। जाहिर सी बात है, पहले मुलाकात के जरिए भी या तो फिल्में या तो जलसे होते थे जहां मुलाकात मुमकिन होती थी। मगर वक्त के साथ साथ फिल्मों और सितारों से हमारा इमोशनल कनेक्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। आजकल सोशल मीडिया, पेपराजी, रैंपवॉक या फिर फिल्म प्रमोशंस फैंस को अपने सितारों से मिलने के तमाम मौके देते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं परखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। वैसे इस बार का ये सफर भी फिल्मों के साथ साथ फिल्मी सितारों की सारी छोटी बड़ी खबरें लेकर आया है, तो बस फौरन शुरू करते हैं हमारा ये सफर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अब 22 साल पहले हमारे तारा सिंह अपना दिल लाहौर छोड़ाए थे, मगर इस बार उनका दिल नहीं, उनके दिल का टुकड़ा जीते पाकिस्तान में फंस गया है। तो बस तैयार हो जाइए एक बार फिर पुराने किस्से दोहराते हुए देखने के लिए। सनी देओल की फिल्म गदर 2 के ट्रेलर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। फिल्म को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच उस लव एक्शन ड्रामा का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एक बार फिर ट्रेलर में तारा सिंह का अंदाज सभी को आकर्षित कर रहा है। मुंबई में ग्रैंड इवेंट में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म से जुड़े सभी खास लोग मौजूद थे। अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में तारा सिंह और सकीना की जिंदगी की आगे की कहानी नजर आएगी। अपने नए लुक की वजह से जिन्होंने सबको है अपना दीवाना बना डाला, वो शाहरुख खान आजकल अपनी नई फिल्म जवान की वजह से सबकी जुबान पर छाए हुए हैं। इस फिल्म का एक नया पोस्टर भी सामने आया है। अभी तक आपने विलन का लुक देखा, अब हीरो का भी लुक देख लीजिए। शाहरुख खान की फिल्म जवान की चर्चा लगातार बनी हुई है। इटली कुमार निर्देशित इस फिल्म का इन दिनों प्रमोशन चल रहा है। बीते दिनों बोल्ड लुक में शाहरुख खान ने अपने फैंस को चौंकाया था। अब मेकर्स ने फिल्म के एक और लीड एक्टर विजय सेतुपति का नया लुक शेयर कर दिया है। शाहरुख खान और विजय सेतुपति पहली बार जवान के जरिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी और इसके जरिए नयनतारा भी बॉलीवुड में अपने कदम रखेंगी। आजकल जिधर देखो उधर ही रॉकी और रानी छाए हुए हैं। ऐसे में पिछले हफ्ते रणवीर और आलिया ने बड़े पर्दे के साथ साथ रैंपवॉक की भी शोभा बढ़ाई। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने 20 जुलाई को सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के द ब्राइडल कुटियोर शो में अपने शाही अवतार से सबका ध्यान खींचा। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सितारों ने हाथों में हाथ डाले रैंपवॉक किया और वे मनीष मल्होत्रा के ब्राइडल कलेक्शन में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जहां आलिया कढ़ाई वाले लहंगे में चमक रही थी, वहीं रणवीर शेरवानी में डैशिंग लग रहे थे। अब हमारी पूजा है सबकी फेवरेट, पहले पठान, फिर भाईजान और अब रॉकी भी, सब उसकी आवाज के दीवाने हैं। मगर ये पूजा अपनी मुंह दिखाई कब करेगी? फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पोस्टर फाइनली रिलीज हो गया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना डबल रोल में दिखाई देंगे। बीते दिनों फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के रॉकी ड्रीम गर्ल 2 की पूजा से बात करते हुए दिखाई दिए थे। टीजर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिल्म के पोस्टर में आयुष्मान खुराना ने फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से अपने कैरेक्टर पूजा का फेस आखिरकार रिवील कर दिया है। फिल्म 25 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। ड्रीम गर्ल 2019 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, अनु कपूर, परेश रावल, असरानी, मंजोत सिंह और विजय राज भी दिखेंगे। चेहरे पर चढ़ाया जानवर का मुखौटा, गले में पहनी बागों के नाखूनों की माला, आखिर कौन है वो योद्धा जो बना
पेरुमाची द्वीप की शाम। साउथ सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्म गंगुआ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म की शानदार पहली झलक पेश की थी, जिसमें एक्टर दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। सिरोथाई शिवा के निर्देशन में बनी कंगुआ एंटरटेनमेंट से भरपूर है। कंगुआ के निर्माता इस फिल्म को 3D में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म 10 अलग अलग भाषाओं में होगी, जो कई क्षेत्रों में लाखों दर्शकों तक पहुंचेगी। वैसे इस बार सावन 2 महीने का है, तभी तो महादेव की महिमा को दर्शाते हुए फिल्म OMG 2 ने बैक टू बैक 2 गाने रिलीज कर दिए हैं। पहले गाने में जहां लोगों को महादेव की भक्ति के दर्शन हुए, वहीं दूसरे गाने में दर्शक महादेव की शक्ति के साक्षी बनेंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ओह माय गॉड 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। फिल्म के मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही टीजर और फिल्म का पहला गाना रिलीज किया था, जिसे देखने के बाद OMG 2 को लेकर फैंस के मन में बेताबी काफी बढ़ गई थी। वहीं 27 जुलाई को फिल्म के निर्माताओं ने सावन के महीने में शिव की महिमा को दर्शाते हुए फिल्म का दूसरा गाना हर हर महादेव रिलीज कर दिया है। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश बिहारी। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी। गाने में अक्षय हाथ में डमरू लिए शिव की तरह भस्म लगाए शिव तांडव करते नजर आ रहे हैं। उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। तो कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल के बाद तैयार हो जाइए कैप्टन मिलर से मिलने के लिए। अरे नहीं नहीं, ये कोई MCU मूवी नहीं है, तो फिर ये है क्या? आप भी देख लीजिए। सुपरस्टार धनुष की कैप्टन मिलर का ऑडियंस के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। पीरियड ड्रामा फिल्म में एक्शन के साथ साथ धनुष की अदाकारी का ऐसा मिक्सचर देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा, KGF और पठान के पसीने छूट जाएंगे। अरुण माथेश्वरन की डायरेक्टेड फिल्म कैप्टन मिलर आजादी से पहले की कहानी दिखाती है। इस फिल्म की पहली झलक मेकर्स ने धनुष के 40वें जन्मदिन यानी 28 जुलाई को रिलीज किया था। ये फिल्म 15 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अंदर से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें से एक तस्वीर में वो ऑस्ट्रेलियाई गायिका सिया को गले लगाते हुए दिखे। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट आलिया भट्ट हैं। इस मौके पर रणवीर सिंह करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर से मिले और करिश्मा ने सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान कुछ दिनों पहले अमरनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंची थी। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस दरगाह के सामने दुआ करती हुई दिखी, जिसकी फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। तो इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार है, तकरार है, परिवार है, शिफॉन की साड़ियां हैं और खूबसूरत वादियां हैं। फाइनली 7 साल बाद निर्देशक की कमान संभालने वाले करण जौहर अपनी नई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में क्या कुछ खास लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। परिवार किसी की भी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। कहा भी जाता है कि आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपका परिवार खुश हो।
एक समय था जब बॉलीवुड में भी फैमिली ड्रामा फिल्मों का दबदबा हुआ करता था, जिन्हें दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। शायद उन्हीं फिल्मों की वजह से उस दौर को हिंदी फिल्मों का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। समय बदल जाए, फिल्मों के प्रति लोगों का टेस्ट बदल जाए, पर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसका क्रेज कभी कम नहीं होता। इस हफ्ते भी रिलीज हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो हमें उसी दौर में ले जाती है। कहानी दिल्ली में रहने वाले दो लोग रॉकी रंधावा और रानी चैटर्जी की है, जिनकी अपब्रिंगिंग, कल्चर, एनवायरनमेंट और वैल्यूज सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन प्यार तो प्यार ठहरा। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर अब उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, परिवारों के बीच का कल्चरल डिफरेंस, जिसे मिटाने के लिए वो तय करते हैं कि रानी 3 महीने रॉकी के घर रहेगी और रॉकी उतने ही समय रानी के घर रहेगा। दोनों के इस एक्सचेंज प्लान का क्या हश्र होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। 7 साल के बाद करण जौहर कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर की कुर्सी संभाले हैं। 7 साल की सारी कसर उन्होंने इस फिल्म के थ्रू पूरी कर ली है। ऐसा एक भी मोशन नहीं है जो इस फिल्म से मिसिंग हो। उसके ऊपर से अगर आपके फिल्म के स्टार्स आलिया भट्ट और रणवीर सिंह हो तो फिर तो इमोशंस की सुनामी आना तय है। इसके अलावा फिल्म में जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र की तिकड़ी शानदार है। म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी और सेट डिजाइन सब फर्स्ट क्लास है। राइटिंग भी कमाल की है। आखिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म को शशांक खेतान, सुमित रॉय और ऋषिता मोइत्रा ने जो लिखा है। इन शॉर्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सच में टू स्टेट्स का एक्चुअल डिपिक्शन है, जो आपको 2 घंटे 50 मिनट के अंदर आधा बंगाली और आधा पंजाबी बना ही देगी। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है डायरेक्टर करण जौहर को, जिन्होंने इस फिल्म में अपनी सारी क्रिएटिविटी डाल दी है। दूसरा स्टार जाता है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की दमदार जोड़ी को। और तीसरा स्टार जाता है अरिजीत सिंह को। जैसे कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बॉलीवुड फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाए गाने जरूरी हैं। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।